के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा, बूथ जीत गए तो चुनाव जीत गए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के दामाद को बदमाशों ने गोली मार कर की हत्या। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों ने फोर लेन किया जाम। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने खुलवाया जाम, स्थिति नियंत्रण में। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन द्वारा आयोजित ग्राम प्रधान सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा गांवों में बस्ती है देश की आत्मा, ग्राम प्रधान बने देश के विकास की धुरी। प्रधानों से की अपील, कहा केंद्र में एक बार फिर बनाए मोदी सरकार। सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित, 91.1% स्टूडेंट्स हुए पास। मेरिट सूची में शामिल छात्र छात्राओं ने खोला अपनी सफलता का राज। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला ने किया रोड शो और जनसंपर्क, लोगों से एक बार फिर मोदी सरकार बनाने की अपील। लूट और चोरी के मामले में वांछित दो अभियुक्तों को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 मोबाइल सेट, तमंचा, कारतूस सहित चोरी की बाइक किया बरामद। एएसपी सुभल पटेल ने किया खुलासा। गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे इस बार के मुहिम संग गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने किया समाज के सभी वर्गों के लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील। संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के खजनी विधानसभा में चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। और राजकीय एडी इंटर कॉलेज के सामने ट्रांसफार्मर में लगी आग ने मचाई अफरा तफरी, घंटों मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं।